हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आ रहा है, जहां पर हम आज के दिन इस वीडियो में उस आईपीओ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी काम क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे रहने वाले हैं, कंपनी का टाइम टेबल क्या रहने वाला है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, और उसी के साथ साथ कंपनी किस वैल्यूएशन पर अपना ये आईपीओ ला रही है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसी के साथ साथ इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव, वो हम ए टू जेड हर चीज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्वागत है आपका आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। मैनकाइंड फार्मा लेके आ रही है अपना आईपीओ। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन सिर्फ नाम ही किसी भी चीज के लिए काफी नहीं होता है, उसका काम भी देखना होता है। और काम तो आपको इसका पता ही है, काफी अच्छा काम भी रहने वाला है। लेकिन अगर हम इसमें मेरे पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन की बात करें सबसे पहले, तो एज ए एचएनआई कैटेगरी मैं इस आईपीओ को ना तो एज ए डिफेंसिव ना ही एज ए अग्रेसिव अप्लाई नहीं करने वाला हूं। वो क्यों नहीं करने वाला हूं, वो आप लोगों को इस वीडियो के आगे पता लग जाएगा, जहां पर हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं रिटेल कैटेगरी में बात करूं तो बीइंग एंड डिफेंसिव, वहां पर भी मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं बीइंग एंड अग्रेसिव बात करूं रिटेल कैटेगरी में, तो वहां पर मुझे सबसे पहले इसकी सब्सक्रिप्शन देखनी पड़ेगी क्वालिफाइड और एचएनआई की तरफ से। जो भी मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूं या फिर आप लोगों को डेली के मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप शो में पता लग जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की, मैनकाइंड फार्मा, सबको पता है कि फार्मा सेक्टर से ये कंपनी होने वाली है, और फार्मा सेक्टर में हम इतना नहीं जाएंगे बिकॉज सभी को पता है कि क्या क्या काम होते हैं। लेकिन 1991 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और मार्केट फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन करती है, और उसी के साथ साथ वेरियस हेल्थ केयर ये प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं, तो ये कंपनी क्रोनिक थेरापेटिक फील्ड्स में काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, जिसमें एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियोवेस्कुलर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइल, एंटी डायबिटिक, न्यूरो, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऐसे काफी सारी चीजों में ये एक्टिव रहती है। कंपनी के 36 से ज्यादा ब्रांड्स रहने वाले हैं, कुछ के तो आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे कि मैनफोर्स कॉन्डम हो गया, अनवांटेड किट हो गया, प्रेगा न्यूज, डायरोडोन, कोडिस्टर, ऐसे काफी चीजों के नाम आपने सुने भी होंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 2022 फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक सेल पर ये फोर्थ नंबर पर आई थी कंपनी। कंपनी को काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ इनकी 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है अक्रॉस इंडिया में। अगर हम बात करें कंपनी के पास 600 साइंटिस्ट होने वाले हैं 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग, और इनका एक आरडी सेंटर भी होने वाला है, जिसकी 4 यूनिट्स रहने वाली हैं, जो मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा और थाने में होने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें अच्छा ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है, इसमें कोई भी शक नहीं रहने वाला है। टोटल असेट्स में हमें वृद्धि देखने को मिली है, 31 मार्च 2020 में थे 5070 करोड़ से जो पहुंच चुके हैं 31 मार्च 2022 तक 91,000 करोड़, जो एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिली है। अगर हम 31 दिसंबर 2022 में बात करते हैं, तो 92,070 करोड़ के हमें टोटल सेट देखने को मिल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 5970 करोड़ से पहुंच चुके हैं 7970 करोड़ 2022 में। अगर हम 31 दिसंबर 2022 की बात करते हैं, तो 6700 करोड़ के हमें यहां पर टोटल रेवेन्यू देखने को मिले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1050 करोड़ से पहुंच चुका है 1450 करोड़ तक का 2020 से 2022 तक। अगर हम टोटल बोरोइंग्स की बात करते हैं, तो 126 करोड़ से वो भी बढ़कर हो चुकी है 868 करोड़ की 31 मार्च 2022 में। अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखते हैं, तो एक अच्छे हमें फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 25 अप्रैल को जीआईपी ओपन होने वाला है, 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होने वाली है, 3 मई को अलॉटमेंट हो जाएगी, 4 मई से आपको रिफंड आना शुरू हो जाएगा, 5 मई को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इस अलॉटेड, और 8 मई होने वाली इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट। अगर हम इसके आईपीओ के लॉट साइज की बात करते हैं, तो एक लॉट 13 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,040 रुपीज की। और उसी के साथ साथ अगर हम एचएनआई कैटेगरी में बात करते हैं, तो वहां पर मैं इसे पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं,
तो 1 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड की बात करते तो 1026 से 1080 करोड़ का रहने वाला है। 13 शेयर्स का एक लोट होने वाला है, 4326 करोड़ का जी आईपीओ होने वाला है, जो कि एक बड़े साइज का आईपीओ ऑब्वियसली होने वाला है। और उसी के साथ साथ पूरा का पूरा ये रहने वाला है ओएफएस, यहीं पर आकर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है और जो सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का आने वाला है। एक तो आईपीओ का अच्छा खासा साइज आ रहा है और ऊपर से पूरा का पूरा ओएफएस, मतलब कि कंपनी के पास जो भी पैसा जाएगा वो कंपनी के पास जाएगा ही नहीं, वो सारा का सारा जाएगा जो भी कंपनी के ओनर्स अपना माल बेचकर निकलना चाहते हैं कंपनी से, उनकी जेब में जाएगा और वो हमारे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। इसी के साथ साथ बीएससी एनएससी दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, एचएनआई का 15% का और उसी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी में 35% का। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाएगा। आप अपना अकाउंट खुलवाने के बाद हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर आप लोगों के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो आपके काम में आने वाली है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा ही। अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 2022 के अकॉर्डिंग ईपीएस निकल के आते हैं 35.78 की, पी रेशियो निकल के आते हैं 30.18 की और रिटर्न ऑन नेटवर्क निकल के आते हैं 23.29% की। अगर हम पिछले 3 सालों का बेसिक एवरेज डाटा लेकर चलते हैं तो ईपीएस निकल के आते हैं 32.71 की, पी रेशियो निकल के आते हैं 33 की और रिटर्न ऑन नेटवर्क निकल के आते हैं 25.51% की। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में चलते हैं तो वहां पर लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, मैं जहां पर लिस्ट टैग कर देता हूं आप लोग जहां से चेकआउट कर सकते हो। अब अगर हम कंपनी की मेन नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखो सबसे पहला तो पूरा का पूरा ये होने वाला है ओएफएस, और इतना बड़ा ओएफएस जो इस आईपीओ के लिए हमारे पास सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कंपनी का साइज काफी बड़ा है जो भी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और तीसरा होने वाला है कंपनी की वैल्यूएशन, अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज भी ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये मेन दिक्कत हो जाती है। और इन्हीं 3 रीजंस की वजह से मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में इसमें क्या मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन रहने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर हम जीएमपी के अकॉर्डिंग भी देखते तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी प्रोक्स 5% के करीब का चल रहा है, लेकिन क्या आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि कंपनी के नाम से हमें किसी भी चीज में अप्लाई नहीं करना चाहिए, वरना नाम तो पेटीएम का भी बहुत था, LIC का भी बहुत था, आप लोग उनका क्या हाल हो रहा है वो देख सकते हो। हमें कंपनी की वैल्यूएशंस भी देखनी पड़ती है। और वैसे भी देखा जाए ना, अगर हम मार्केट में बात करते हैं, आईपीओ मार्केट की बात करो, वहां पे मूड माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, पिछले कुछ आईपीओ में भी हमने यही होते हुए देखा है। तो ऐसे में अगर कोई आईपीओ एक अच्छी वैल्यूएशन पर नहीं आ रहा है, मैं वहां पर हाथ पैर नहीं मारूंगा। तो ये मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होने वाला था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप लोगों को ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।